हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैक्रम का मिरर लेकर आई हूँ। ये मिरर जो है बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसे जल्दी ही बना सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए ये मैंने 96 कॉर्ड काट के रखे हुए हैं। ये मैंने 1.5 मीटर के काट कर रखे हुए हैं और साथ में एक मिरर। और इसके लिए टू रिंग्स, ऐसी ऐसी टू रिंग्स चाहिए और कुछ बीट्स और एक छोटा रिंग भी चाहिए और लाइटर और सीजर। अब मैं मिरर जो बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये सबसे पहले मैंने रिंग ली हुई है और इसमें मैंने कुछ कॉर्ड्स डाल के रखे हुए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कॉर्ड्स जो हैं डालने हैं। ऐसे हम कॉर्ड्स को डबल करके पकड़ेंगे और ऐसे इसको रिंग में डाल लेंगे। ये मैंने एक लाइन में मैंने 24 कॉर्ड्स डाल के रखे हुए हैं और 24 इधर और 24 इधर। अब यहाँ भी मैं 24 कॉर्ड्स डालूंगी। ये हमने सारे कॉर्ड्स डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ मैं ये मिरर रखूंगी और इसके ऊपर एक रिंग रखूंगी और फिर इन सारे कॉर्ड्स की मैं रिंग के ऊपर पाइपिंग करूंगी। तो ये मैं एक एक बार पाइपिंग करती जाऊंगी। ये हमने रिंग के ऊपर सभी कॉर्ड्स की पाइपिंग कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे 4-4 कॉर्ड्स लेंगे और फिर एक सिंपल वाली नॉट्स लगाएंगे। आगे फिर 4 कॉर्ड्स लेंगे ऐसे सभी में मैं 4-4 कॉर्ड्स लेके नॉट्स लगाऊंगी ऐसे चारों तरफ। ये मैं आपको नॉट्स लगा के दिखाती हूँ। ये हमने चारों तरफ एक एक बार नॉट्स लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये जो दो नॉट्स लगाई है इनके दो बीच वाले कॉर्ड जो है दोनों के दो दो कॉर्ड लेंगे और एक एक नॉट्स फिर से लगाएंगे। आगे वाले फिर टू कॉर्ड के टू टू कॉर्ड लेंगे, ये टू कॉर्ड इससे और टू कॉर्ड इसके, फिर हम एक नॉट्स लगाएंगे। ऐसे ऊपर हमारी ये 1, 2, 3, 4 हो गए, 3 नॉट्स हो गए और नीचे 2 नॉट्स हो गए। अब इन 2 नॉट्स की हम फिर टू टू कॉर्ड लेंगे और एक नॉट्स लगाएंगे।
इसलिए हमने फर्स्ट में 3 नोट्स, फिर 2 नोट्स, फिर 1 नोट्स। अब क्या करेंगे कि हमारा ये तीसरे वाले नोट्स का जो एक कॉर्ड है इसको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर बाकी कॉर्ड्स की पाइपिंग करेंगे। ये हमने फर्स्ट कॉर्ड के ऊपर 5 कॉर्ड से पाइपिंग कर ली। इसके बाद फिर से हम ये सेकंड वाला कॉर्ड लेंगे और फिर बाकी की पाइपिंग करेंगे। ये हमारा ऊपर का पाइपिंग किया हुआ जो है हम इसके भी इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये 2 बार पाइपिंग की है वैसे ही हम इस साइड भी पाइपिंग करेंगे। फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार भी पाइपिंग करेंगे। ऐसा डिजाइन जो हम आगे भी बनाएंगे, ये हमारा डिजाइन 3-3 नोट्स के नीचे बनता जाएगा। ऐसे ये हमारा जो है डिजाइन बनके कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे ही हम 3-3 नोट्स के नीचे 3-3 नोट्स के नीचे अपना डिजाइन ऐसा बनाते जाएंगे। ये सभी में ये मैं आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ। ये हमारा अब ऐसा डिजाइन जो बनके कंप्लीट हो गया है, ये हमने चारों तरफ डिजाइन कंप्लीट कर लिया है 4-4 बार। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे ये बीच वाले जो कोड है इसके हम हमारे दोनों साइड के फर्स्ट फर्स्ट कोड हम लेंगे दोनों साइड से और इसमें एक बीट से डालेंगे। फिर इसको साइड में करके हमारा सेकंड वाला कोड जो हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे, 4 कोड्स की पाइपिंग करेंगे। ये ऊपर वाला कोर्स भी हम साथ में ले लेंगे। ये 2 बार हमने नीचे पाइपिंग कर ली है। अब हमारे ये जो वेट से डाले वाला कोर्स है इसके ऊपर हम इन 5 कोर्स की पाइपिंग करेंगे। ये हमारा पहले का 2 पाइपिंग की हुआ थे 2 बार, अब 3 बार और हमने पाइपिंग की। ऐसे ही हम इस साइड में भी 3 बार और पाइपिंग करेंगे। ये फर्स्ट कोड लेके हम 4 कोड की पाइपिंग करते जाएंगे हम। ये हमने जो हमारी जो है 3-3 बार और हमने पाइपिंग कर ली है। अभी हमारे ये जो है बीच वाले कोर्स जो हम इनको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे,
और ऐसे हमारा जो है लीफ का डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसकी भी हम इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे, ये हमारे लास्ट के टू कोट जो है। अब इसको हम ऐसे उल्टा करके पकड़ेंगे। और फिर हम इन कोट्स को ऐसे साइड में कर लेंगे। हमने इस साइड के कोट्स जो हैं इस तरफ कर दिए और इस तरफ के कोट्स इस तरफ कर दिए। और फिर हम इसको काट के यहाँ स्टिच कर लेंगे, इन कोट को काट के यहाँ से स्टिच कर लेंगे और इनको भी साथ में ये टू कोट्स भी हम काट के यहाँ स्टिच कर लेंगे। ये हमने सभी कोट्स जो है काट के चिपका लिए हैं। अब जो हमारा लिप्स का डिजाइन ऐसे बन के कम्प्लीट हो रहा है ऐसा। अब एक डिजाइन हम यहाँ बनाएंगे ऐसा सेम ही यहाँ, और एक डिजाइन हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बीच बीच में डिजाइन आएगा ऐसे ही। हम इस ऐसे लीफ का डिजाइन सारा कंप्लीट करके बताते हैं चारों तरफ। ये हमारा अब लीफ का डिजाइन जो है बनके कंप्लीट हो गया है। और बीच वाले लीफ में हमने ये फोर कोट जो है छोड़ लिए हैं। यहाँ हम छोटा सा रिंग लगाएंगे। और अब जो है हमारा ये कोने में हमारे ये कोट्स बचे हुए हैं, ये हमने नहीं काटे। यहाँ हमारे कोने में डिजाइन आएगा, यहाँ चारों कोनों में हमारा डिजाइन आएगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, जैसे हमने ये वाला लीफ का डिजाइन बनाया वैसे ही सेम, पर हमने यहाँ बीड्स डालने हैं। फर्स्ट वाले टू कोट्स में हम बीड्स डालेंगे। फर्स्ट कोट से हम पाइपिंग करेंगे फर्स्ट कोट के ऊपर। यह हमने गैप जो है छोड़ते जाना है और लास्ट कोट के ऊपर हम बीड्स डालेंगे। फिर इसकी भी हम पाइपिंग कर लेंगे। ऐसे फिर से हम सेकंड कोट के ऊपर पाइपिंग करते जाएंगे। इसमें भी हम थोड़ा गैप छोड़ते जाएंगे। और फिर लास्ट कोड में हम एक बीड्स डालेंगे। अब हमारे फोर बार पाइपिंग होगी, टू बार बाद पहले और टू बार अब। अब इस तरफ हम पाइपिंग कर लेंगे, जैसे हमने ये दो बार पाइपिंग की है बीड्स डाल के। ये हमारा टू बार फिर आगे हमारी पाइपिंग हो गई। अब हम ये वाला कोट्स लेंगे और इसके ऊपर यहाँ दोनों तरफ हम पाइपिंग कर लेंगे। इसे हम यहाँ चिपका के पाइपिंग करेंगे।
ये हमारी जो है 5x5 बार फिर से हमारी पाइपिंग हो गई। अब इसको एक दूसरे के ऊपर हम पाइपिंग कर लेंगे जो हमारे लास्ट कोड है। फिर सेम ऐसे ही इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और पाइपिंग ये कोर्स जो हमारे ऐसे इस तरफ वाले कोर्स जो इस तरफ कर लेंगे और इस तरफ वाले इस तरफ। फिर इन सारे कोर्ड्स को काट के हम यहाँ चिपका लेंगे। ये जो हमारा डिजाइन जो बनके कंप्लीट हो गया, अब ऐसा ही हम डिजाइन जो है चारों कोनों में बनाएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा अब चारों कोनों में डिजाइन जो बनके कंप्लीट हो गया, अब हमारा ये मिरर बनके कंप्लीट हो गया। अब हमने ये लास्ट में 4 कोर्ड जो छोटे हैं यहाँ हम छोटी सी रिंग लेंगे और उसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। ऐसे हम 2-2 बार जो पाइपिंग करते जाएंगे। ये हमने 2-2 बार जो पाइपिंग कर ली। अब लास्ट के हमारे दो साइड के जो कोर्ड्स हैं इनसे हम पूरी रिंग पर पाइपिंग कर लेंगे और ये 2 कोर्ड्स बीच वाले जो हम इसे बैक साइड में यहाँ चिपका लेंगे। ये हमने ऊपर छोटी सी रिंग लगा के मिरर अपना जो है कंप्लीट कर लिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।